नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का। और आज का यह वीडियो है उन छह राशियों के लिए जिनको राहु अकस्मात बहुत सारी चीजें दे देंगे। खाली धन शब्द नहीं यूज करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो अचानक आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे, और ये बदलाव सितंबर के महीने तक रहेगा। मैं शुभ फल की ही केवल बात करूंगा, अशुभ फल की नहीं करूंगा। ग्रह का अशुभ फल भी होता है, पर यहां पर शुभ बताना चाहता हूं, क्योंकि वैसे भी काम के लॉस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो क्या क्या गुड न्यूज इन छह राशि वालों को मिलेगी, और इन छह में से भी विशेष रूप से चार राशि वालों को। और एज फैक्टर, जी हां, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की यह वीडियो विशेष प्रभाव डालेगी 38 से लेकर के और 54 साल के उम्र के लोगों के लिए। आप सोच रहे होंगे तो बड़ा डिफरेंट हो गया। बिल्कुल डिफरेंट हो गया। राहु इस एज के लोगों के लिए अपना विशेष फल देगा, बेहतरीन शुभ रिजल्ट देगा, क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक अवस्था होती है जिसमें वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, और वो अवस्था राहु की ये है। इसलिए जो लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं और उनकी आयु 38 से लेकर के और 54 साल के बीच में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभप्रद रहेगा दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी वाला रहेगा और बहुत कुछ आपको यहां पर देगा। ऐसे ही शनि की भी एक अपनी अवस्था होती है, शुक्र की, गुरु की, हर ग्रह की। तो यहां मैंने आज राहु की वीडियो बनाई है विशेष एज वालों के लिए। बाकी की राशि बाकी की एज वालों के लिए भी यह रिजल्ट देगा, पर विशेष का मतलब होता है खास, इस उम्र के बीच के जातकों के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी के लिए। जी हां दोस्तों, आइए शुरुआत करता हूं वीडियो की। और उससे पहले आपको स्थिति से अवगत कराता हूं कि राहु का क्या फल होगा। आकस्मिक धन लाभ होगा, अचानक जो दुर्भाग्य है आपका चल रहा है वो सौभाग्य में बदल जाएगा, चिंताएं से मुक्त आप हो जाओगे, शत्रु आपसे दबने लगेंगे, और जो लोग दो नंबर के काम करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ मिलेगा। क्योंकि मेरे पास बड़ी कॉल्स आती हैं कि गुरुजी हमारा दो नंबर का काम है, काम नहीं चल रहा है। तो यहां पर यदि आप भी इन छह राशियों में आ रहे हैं जिनके भी बात करूंगा, तो आपका भी काम चल पड़ेगा। मित्रों, राहु जो हैं वो जुए से, शराब से रिलेटेड काम कराते हैं, तस्करी का काम कराते हैं, मशीनरी वर्क कराते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं, चित्रकारिता कराते हैं, विज्ञान में नई खोज कराते हैं, ये तेल का काम कराते हैं, लोहे का काम कराते हैं, नारियल का व्यापार कराते हैं, वायु में रमण करने वाले जितने भी चीजें हैं वो सब राहु के द्वारा संचालित हैं। या चाहे वो कोई इक्विपमेंट बनाने की कंपनी हो जो वायुयान से संबंधित पार्ट्स बनाती हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जासूसी जो लोग करते हैं, जो पुलिस महकमे में हैं, जो वैद्य हैं, जो अनुसंधान का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पर एज फैक्टर, जी हां, 38 से लेकर के 54 साल तक। मित्रों, अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं, और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं फल, वो पहली राशि जिसके लिए ये एज फैक्टर सबसे ज्यादा काउंट करेगा, तो वह है मेष। मेष के हमारे दर्शकों, आपके लिए अब सितंबर के महीने तक वो समय शुरू हो चुका है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव में आपकी राशि से राहु विराजमान हो जाएंगे, और वह भी बुध ग्रह के साथ में है अगस्त तक, उसके बाद अकेले होंगे। परंतु ये अकेले हो चाहिए द्विग्रही युति में बैठे हो, रिजल्ट इनको मेष वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन देना है। मिथुन राशि मूल त्रिकोण राशि राहु की होती है, और इस राशि में आकर के राहु का फल बढ़ जाता है। अब ये क्या फल देंगे इस बात को समझना है, तो
तो यहां पर तीसरा भाव में इनके होते ही आपका परिश्रम बढ़ जाएगा, आपको भाई बंधु जो हैं आपके उनके सुखों में वृद्धि होगी, आपको भूमि आवास वाहन सुख देश विदेश से संबंधित काम में लाभ मिलेगा, आपकी उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क स्थापित होंगे इस दौरान। इसके अलावा जो लोग तंत्र मंत्र जो विद्याएं होती हैं जिनमें गहरी खोज होती है, ऐसी सब विद्याओं में आपकी विशेष अभिरुचि बढ़ेगी और विशेष लाभ आपको यहां सितंबर के महीने तक मिलेगा। मित्रों व्यापार में थोड़ी सी दौड़ भाग हो सकती है परंतु ये सुखद रहेंगी आपके लिए, काम जरूर बनेंगे यहां पर तीसरे भाव में आपकी मेष राशि से राहु के होने के कारण। इसलिए ये जो समय है निश्चित तौर से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। यहां पर भाग्य को भी देखेंगे, भाग्य की भी वृद्धि करेंगे, लाभ को देखेंगे, मित्र राशि को लाभ भी बढ़ा देंगे, प्रॉफिट भी बढ़ा देंगे। अब कौन सी है वो नेक्स्ट राशि जिनके लिए राहु 38 से लेकर के 54 साल के बीच की आयु के लोगों के लिए विशेष लाभ देने जा रहे हैं, तो मित्रों वो बनती है यहां पर मकर। जी हां, मकर जो राशि रहेगी इस राशि के स्वामी ही शनि हैं और शनि और राहु में तो वैसे भी मित्रता है। यह युति बनेगी छठे भाव के ऊपर, या ये कहूं कि मिथुन के राहु सिक्स हाउस में मकर राशि से प्लेस हैं और सितंबर के महीने तक यहां पर रहेंगे। अब कैसा फल देंगे यह बड़ा निर्णायक रहेगा आपके लिए। तो मित्रों जब भी राहु अब मूल त्रिकोण के हो और मकर लगन से छठे भाव में प्लेस हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है, काफी बुद्धिमान होगा, उसका पराक्रम बढ़ेगा, आपका धैर्य भी बढ़ेगा, जो पेशेंस की कमी आप में हो रही थी वो भी आपका बढ़ जाएगा, दीर्घ आयु होगी, कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है तो वह दूर होगा। जो लोग न्याय में विश्वास करते हैं, न्याय प्रिय हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। तर्क वितर्क जो लोग सिर्फ बीच में एक तरीके से लोगों का सेटलमेंट काम कराने का काम करते हैं, कोई लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। गुप्त युक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शत्रुओं को परास्त करने वाला रहेगा, भूमि सवारी आदि सुखों से युक्त रहेगा, व्यवसाय एवं कार्य क्षेत्र में भी आप अग्रणी रहेंगे। मित्रों ये बड़ा अच्छा है आपके लिए, आपको लाभ मिलेगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। तो ये है मकर के लिए विशेष फल जो मैंने एज फैक्टर बताया। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूं राशि की, वो है तुला। तुला के दर्शकों वे तुला लगन ये दोनों के लिए नियम एप्लीकेबल है। आपके लिए राहु का प्लेसमेंट भाग्य स्थान पर होगा, मिथुन राशि का राहु भाग्य पर बैठ करके बल्ले बल्ले कर देगा आपकी। एक तो शुक्र का मित्र भी है आपकी राशि के स्वामी का, शनि का भी मित्र है, शनि भी केंद्र में चल रहे हैं, वो भी चतुर्थ भाव में है और ऐसी स्थिति में राहु का नवम भाव में रहना वह भी सितंबर के महीने तक आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति को ये यहां पर दर्शाता है। अब क्या फायदा होगा, सबसे पहले आपके धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के काम से आपको लाभ आएगा, आपकी शिक्षा में जो बाधा आ रही थी वह दूर हो जाएगी, आपके गुणों की प्रधानता होगी, आपकी कल्पना बहुत अच्छी होगी। जो लोग सोचने का काम करते हैं, जो लोग सोचते हैं और फिर लिखते हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतरीन रहेगा। आप अपने परिश्रम के द्वारा अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे, उन्नति से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई विदेशों से संबंधित काम करते हैं तो वहां पर भी आपके भाग्य उदय होने की जो संभावना है वो बहुत प्रबल है। बुध के साथ में राहु की युति है, ऐसे में जल्दी धन मिल जाता है, जल्दी भाग्य उदय हो जाता है, जल्दी धर्म कर्म के काम से लाभ आ जाता है। तो ये सब स्थिति आपके साथ में बनने जा रही है, ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। राहु की दृष्टि पंचम लगन के ऊपर रहेगी तुला राशि के ऊपर और नाइन्थ दृष्टि रहेगी आपकी विद्या के ऊपर। इन दोनों चीजों को, आपके मान सम्मान को, आपकी एजुकेशन को और अचानक धन लाभ वाली जो स्थिति है वो भी यहां पर बनेगी, अकस्मात पैसा आना।
क्योंकि त्रिकोण में बैठ करके त्रिकोण को देखेंगे, पंचम भाव को, त्रिकोण में बैठ के आपके मान सम्मान को देखेंगे, इन सभी चीजों को बढ़ा देंगे। शुभ जगहों पर दृष्टि जा रही है, शुभ राशियों के ऊपर दृष्टि जा रही है, और दोनों जो दृष्टियां इनकी हैं वो तीनों दृष्टियां मिथुन राशि अपना मित्र राशियों के ऊपर पड़ रही है। पंचम दृष्टि जा रही है तुला, जो इनके मित्र की है। सप्तम दृष्टि धनु पर, वो भी इनके मित्र की है। नवम दृष्टि कुंभ राशि के ऊपर, वो भी इनके मित्र की है। तो इसीलिए यहां पर मूल त्रिकोण के राहु आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने जा रहे हैं। और अब मैं चौथी वो राशि जिसके लिए राहु बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे सितंबर तक, और जो एज फैक्टर मैंने बताया 38 से 54, उन लोगों के लिए वो है सिंह राशि। सिंह के दर्शकों, आपके लिए मूल रूप से ये प्रॉफिट देगी, आपके लिए व्यापार के लिए अच्छी रहेगी, आपके बड़े भाई बहनों से लाभ के लिए अच्छी रहेगी, आपके पार्टनर से लाभ के लिए अच्छी रहेगी। ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आपकी बुद्धिमता, आपकी ब्रेन की इंटेलिजेंसी, आपके डिसीजन आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। अगर आप तकनीकी शिक्षा के अंदर हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपको भूमि वाहन से लाभ मिलेगा। जो टूर्स एंड ट्रेवल का काम करते हैं उनका थोड़ा सा ग्रोथ होगा, ज्यादा तो नहीं है, परंतु मूल रूप से आपके वाहन और सुखों में वृद्धि होगी। आपको आपके शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। आप शेयर से और सट्टे से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी रुचि बढ़ेगी इन सब कामों की तरफ में। आपका जो नेतृत्व है वो क्षमता आपकी बढ़ेगी। ये समय आपके लिए धन लाभ के दृष्टिकोण से अकस्मात लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु 11th हाउस में बैठा है और 11th हाउस का राहु हमेशा एकदम से अचानक चीजें करवा देता है। बस थोड़ा संतान सुख को लेकर के जरूर आपको टेंशन हो सकती है, इस बात का आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट राशि। ये तो थी सबसे बेहतरीन चार राशियां, अब मैं उन दो राशियों की बात करूंगा जिनके लिए फल तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, उसमें एज फैक्टर बढ़ जाएगा। अब यहां पर ये दो राशियां सभी के लिए एप्लीकेबल रहेंगी, और वो चार हैं मूल रूप से जो मैंने एज बताई। तो पहले तो है मिथुन। मिथुन के जो दर्शक हैं उनके लिए तो बुध राहु की युति आपके लगन में बन रही है, 2 अगस्त तक कोई किसी प्रकार की चिंता वाली बात ही नहीं है। आपके भाग्य के लिए भी, आपके निजी जीवन के लिए भी, और आपकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन और उच्च पद प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत बेहतरीन है मिथुन वालों, बहुत जबरदस्त अकस्मात लाभ होगा। और सेकेंड नंबर पर जो रहेगी वो है मित्रों कन्या, यानी कि छठी राशि। कन्या वालों के लिए बुध राहु की युति का इसलिए ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बुध स्वयं रही हैं मिथुन में, और लग्नेश भी हो जाते हैं, कन्या राशि के स्वामी भी हैं, और कन्या लगन से लग्नेश होकर बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ये धन को देखेंगे तो धन की वृद्धि करेंगे, सुख साधनों की वृद्धि करेंगे, पॉलिटिक्स राजनीति से लाभ मिलेगा, और स्वास्थ्य पर विजय हासिल होगी, और कर्म पर जॉब पर बैठ करके जॉब के अंदर जबरदस्त उछाल आएगा। आपके आपकी एक स्टेबिलिटी आएगी, आपको सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा, आपको सोशल वर्किंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा, यहां पर आपकी कर्म की गति मजबूत होगी। तो ये समय आपके लिए कन्या वालों बहुत बेहतरीन है। आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, आप में संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बार जल्दी आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हां, मात्र 2100 रुपए में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपए वाली फुल डिटेल्ड कुंडली एकदम फ्री। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपए में कुंडली दिखाएं और साथ में दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपए, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुर।